झगड़ा हो जाएगा क्या? इसको इसका हैंडसम नहीं कहने वाला, इसमें तो सब एक पर एक हैंडसम क्या? तो ये वेल डिफाइंड हुआ। अगर रहता है कि हाँ इस तरह का पाल रहेगा, इस तरह का फेस रहेगा, इस तरह से रहेगा, इसी को हैंडसम कहेंगे, वो ना हो सकता था। लेकिन केवल हैंडसम पाल देने से सब को अपने आप में हैंडसम है। कितना आता है बाल झाले रहा था तो भी हमारे शीशा में देखते हैं तो सब एक पर एक हैंडसम है, तो इसमें कलेक्शन होगा। उसी तरह कहा जाए ब्यूटीफुल गर्ल्स इन मोतिहारी, ये जो कहा जाएगा कि आप ब्यूटीफुल नहीं है झगड़े हो जाएगा। ठीक है, कहा जाए रिच का भी परिभाषा देना चाहिए कि 10 रुपया से ज्यादा है तो वो धनी है, 100 रुपया से ज्यादा है तो धनी है, और से ज्यादा है तो धनी है। 10 रुपया जिसके पास है उसके लिए 20 रुपया वाला उससे ज्यादा धनी हो गया। तो एक सही परिभाषा यहाँ मिला नहीं मिला, इसलिए अभी वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो वेल डिफाइंड उदाहरण से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक साधारण और तरीका है पहचान लेने का कि कौन वेल डिफाइंड नहीं होगा। नहीं अपवाद वाला अगर दिमाग में बैठा लिए तो बाकी सब हो जाए। इसमें एडजेक्टिव शब्द का यूज हुआ रहेगा, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल हम बोले थे, ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, हैंडसम वहां बोले थे हैंडसम क्या है, रिच बोले थे रिच क्या है एडजेक्टिव। उसी तरह कहा जाए गुड प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, तो बताइए किसी दिन विराट कोहली सेंचुरी मारता है किसी दिन जीरो पर आउट हो जाता है, किसी दिन रोहित शर्मा सेंचुरी मारता है किसी दिन जीरो पर आउट हो जाता है। इसको हम जो है बढ़िया प्लेयर कहे खराब प्लेयर कहे कंफ्यूजन है। तो हार्दिक पांड्या जो नहीं हो पता है समझ में, तो हम तो सीख रहे थे कि जहां भी कैसा सब एडजेक्टिव आ जाए, जैसे गुड प्लेयर तो गुड क्या है एडजेक्टिव है, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जहां एडजेक्टिव आ गया हम सीरियस उसको खारिज कर रहे हैं।